हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक तिवारी और आप देख रहे हैं स्पाई टेक। वेलकम टू एक्टिव डायरेक्टरी लेक्चर नंबर 3। आज हम डिस्कस करेंगे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को हाइपर वी में कैसे आप इंस्टॉल करोगे, कैसे उसको कॉन्फ़िगर करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हाइपर वी आपके सिस्टम में कॉन्फ़िगर होना चाहिए, आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता हाइपर वी कैसे अनेबल करते हैं, तो आप अपने विंडोज 11, विंडोज 10 या विंडोज 8 में रन प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे आप टाइप करेंगे appviz.cpl। जैसे आप appviz.cpl टाइप करेंगे, ये आपके पास प्रॉम्प्ट ओपन होके आएगा। आपको जाना है टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ में। यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे, आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको इसके साथ ही आपको मिलेगा हाइपर वी। सो यू नीड टू क्लिक ऑन हाइपर वी। जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक ऑन ओके, और ओके करने के बाद आपके सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। रिस्टार्ट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे हाइपर वी, आपको हाइपर वी मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे अपने विंडोज़ 11 या विंडोज़ 10 के अंदर हम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे इंस्टॉल करेंगे चलिए देखते हैं। आप यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू ऑप्शन पर जा सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको राइट साइड में न्यू वर्चुअल मशीन का ऑप्शन मिलेगा। तो आप कहीं से भी क्लिक करके न्यू एंड वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे, देन आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। यहाँ पे आपको टाइप करना है वर्चुअल मशीन नेम। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ सर्वर OS 2016। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टोर द वर्चुअल मशीन इन डिफरेंट लोकेशन। बाय डिफॉल्ट ये जाता है सी प्रोग्राम डेटा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड हाइपर वी। तो दोस्तों ये इंटरव्यू पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे कि बाय डिफॉल्ट हाइपर वी किस लोकेशन पे वर्चुअल मशीन सेव करता है। तो ये वो लोकेशन है जहां पे सेव करता है। इसको आप मैन्युअली चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए ब्राउज, ठीक है, मैं इसको सेव करने जा रहा हूं दिस पीसी एंड ई में मैंने एक फोल्डर बनाया हाइपर वी के नाम से। यहां पे मैं इसको सेव करूंगा। यहां पे मैं एक फोल्डर बना दे रहा हूं विंडोज सर्वर। इस फोल्डर के अंदर मैं सेव करूंगा इसको। क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, जनरेशन 1 एंड जनरेशन 2। दोनों में क्या डिफरेंसेस है देख लेते हैं। दिस वर्चुअल मशीन जनरेट सपोर्ट 32-bit एंड 64-bit को गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आपको 32-bit और 64-bit दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। किस में? जनरेशन 1 में। अगर बात करें जनरेशन 2 की, तो ये सिर्फ 64-bit को सपोर्ट करता है, 32-bit को सपोर्ट नहीं करता, 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो हम सिर्फ 64-bit लेंगे, जनरेशन 2 लेंगे। क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे आप रैम डिफाइन कर सकते हैं कि आप इस वर्चुअल मशीन को कितनी मेमोरी, कितना रैम देना चाहते हैं। मैंने दिया है 2048 MB यानी 2 GB। क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आप ले सकते हैं बाय डिफॉल्ट। जो डिफॉल्ट जब आप हाइपर वी इंस्टॉल करेंगे, फीचर को अनेबल करेंगे, तो एक डिफॉल्ट स्विच क्रिएट करके बन जाएगा आपके नेटवर्क में। तो मैं डिफॉल्ट ले रहा हूँ। यहाँ पे आप अपना स्टोरेज डिफाइन कर सकते हैं कि कितना आप स्टोरेज यहाँ पे देंगे इस मशीन को। तो मैं दे रहा हूँ 127 GB, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। मैक्सिमम आप 64 TB तक दे सकते हैं। अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम बुटेबल इमेज। तो मैं सेकेंड ऑप्शन क्रिएट करने जा रहा हूँ, सिलेक्ट किया मैंने। क्लिक ऑन ब्राउज। यहाँ पे आपको अपनी ISO इमेज देनी पड़ेगी। तो मेरे केस में मेरा जो ISO इमेज है वो सॉफ्टवेयर के अंदर पड़ा हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा विंडोज सर्वर 2016। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, क्लिक ऑन ओपन, क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड क्लिक ऑन फिनिश। सो हियर वी गो। आप जैसा कि देख सकते हैं कि वर्चुअल मशीन मेरी क्रिएट हो गई है और रेडी है। यहाँ पे इसको स्टार्ट करने से पहले आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में आपको जाना है सिक्योरिटी ऑप्शन पे, और इनेबल सिक्योर बूट को आपको कर देना है डिसेबल, एंड देन आपको करना है अप्लाई एंड ओके। अब आपकी मशीन रेडी है स्टार्ट होने के लिए। आप इसको स्टार्ट करिए और राइट क्लिक करके इसको कनेक्ट कर लीजिए। जैसे आप कनेक्ट करेंगे आपके पास ये विंडो होके आएगा, और यस इट्स कनेक्टेड। आपको जैसे ही बोलेगा कि प्रेस एनी की, आप कोई भी की जल्दी से प्रेस कर दीजिए, अन्यथा ये बूट नहीं होगा। इसको कर दीजिए ओके। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा सर्वर 2016 जो है, इंस्टॉलेशन उसका स्टार्ट हो चुका है। अगेन यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह सेट कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं सेट करने वाला। मैं नेक्स्ट करके इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। जैसे आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, आपका इंस्टॉलेशन जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा।
सो लेट्स वेट एंड वॉच। यहाँ पे आपके पास कई ऑप्शन आएंगे डेटा सेंटर इंस्टॉल करने के लिए, स्टैंडर्ड इंस्टॉल करने के लिए। तो मैं करने जा रहा हूँ डेटा सेंटर एवेल्यूएशन एंड क्लिक ऑन। तो यहाँ पे डेस्कटॉप एक्सपीरियंस हम इंस्टॉल करेंगे, तो मेक श्योर कि आप भी डेस्कटॉप एक्सपीरियंस ही सिलेक्ट करें। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन आई एक्सेप्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट अगेन। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे अपग्रेड एंड कस्टम, तो कस्टम सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर आपको न्यू ड्राइव बनाना है तो न्यू पे क्रिएट करके क्लिक करके आप नई ड्राइव बना सकते हैं। फिलहाल मेरे को नई ड्राइव नहीं बनाना है तो मैं इसको लेके नेक्स्ट कर दूंगा और यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन हमारा हो चुका है फिनिश, और इंस्टॉलेशन फिनिश होते ही आपका ये वर्चुअल मशीन जो है वो आपका रिस्टार्ट होगा, ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये ऑटोमेटिक 8 सेकेंड में स्टार्ट हो जाएगा, बट आई एम जस्ट क्लिकिंग रिस्टार्ट नाउ। सो जैसे आप क्लिक करेंगे आपका वर्चुअल मशीन हो जाएगा रिस्टार्ट। सो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं सिस्टम हो चुका है रिस्टार्ट, और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा पासवर्ड। सो यहाँ पे मैं पासवर्ड पुट करता हूँ। मेक श्योर जो भी आप पासवर्ड दोगे पासवर्ड शुड बी कॉम्प्लेक्स। अगर आप पासवर्ड कॉम्प्लेक्स नहीं देंगे तो आपको ये एरर दे देगा। सो पासवर्ड देने के बाद आपको क्लिक करना है फिनिश पे, कंट्रोल ऑल डेल। अगर आपको लॉगिन करना है तो कंट्रोल ऑल डेल यहाँ पे आपका काम नहीं करेगा, तो आपको जाना है एक्शन में और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कंट्रोल ऑल डेल का। तो यहाँ से कंट्रोल ऑल डेल आप पुश कर सकते हैं। जैसे आप पुश करेंगे आपके पास लॉगिन विंडो अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको पुट करना है अपना पासवर्ड जो आपने ड्यूरिंग कॉन्फ़िगरेशन आपने सेट किया था। सो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने कर लिया है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल, और अब हम इसको करेंगे कॉन्फ़िगर। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्लिक करना है लोकल सर्वर पर। तो इसमें कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल होती हैं और जो हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, तो हमको वो सारी चीज़ें हमको कर लेना चाहिए पहले से ही, जिससे ड्यूरिंग प्रैक्टिकल हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं आप कंप्यूटर को रीनेम कर सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है फायरवॉल ऑन है, तो इसको अगर ऑफ़ करना चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। रिमोट डेस्कटॉप मैनेजमेंट अनेबल्ड है, रिमोट डेस्कटॉप डिसेबल्ड है, NIC टीमिंग डिसेबल है। तो बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो अनेबल हैं, बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं जो डिसेबल्ड हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, पहले मैं करूँगा कंप्यूटर रीनेम। तो कंप्यूटर रीनेम करने के लिए आपको करना है कंप्यूटर नेम पे क्लिक। तो जैसे कंप्यूटर नेम पे क्लिक करेंगे आपके पास ये विंडो ओपन होके आएगी। यहाँ पे आपको टाइप करना है नेम, जो भी आपको नाम देना है। तो मेरे को देना है स्पाईटेक, इसलिए मैं दे रहा हूँ स्पाईटेक। आपके केस में कुछ भी नाम, जो नाम देना चाहे आप दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। मैं रिस्टार्ट लेटर करूँगा। अगेन यहाँ पे देख सकते हैं IE कॉन्फ़िगरेशन ऑन है, मैं इसको करूँगा ऑफ। और आप यहां से टाइम जोन भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी US एंड कनाडा है तो मैं इसको करूंगा इंडिया।
यहाँ पे आपको नीचे अगर आप आएंगे ड्रॉप डाउन से, तो आपको 5:30 तक जाना है। अभी देखो 1 चल रहा है, तो ये देखिए चेन्नई कोलकाता यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ से ओके कर सकते हैं आप, अप्लाई ओके। तो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद हम कर रहे हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को रेस्टार्ट, जिससे कि जो भी हमने कंप्यूटर नेम चेंजेस किए हैं, जो भी सेटिंग की है, वो हमारी रिफ्लेक्ट हो जाए। तो दोस्तों कुछ सेटिंग्स होती हैं जो हमको जो रेस्टार्ट रिक्वायर्ड होती है, रेस्टार्ट जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वो सेटिंग जो है अप्लाई नहीं होगी। कुछ सेटिंग्स होती हैं जो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाती हैं। तो जैसे कंप्यूटर मैंने रिनेम किया, तो उसको अप्लाई करने के लिए सिस्टम को रिस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने इस सिस्टम को रिस्टार्ट किया है। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। हमने सीखा जो इंस्टॉलेशन और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लर्न करेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे हम अपना फर्स्ट प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।